This is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 2 polynomials example number 9. Find all the zeros of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If you know that two of its zeros are root 2 and minus root 2. सो देखो हमें जीरोस गिवन है रूट टू एंड माइनस रूट टू. इसका मतलब हमें x की वैल्यू गिवन है. तो x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास रूट टू. तो इससे हम क्या करेंगे, इस रूट टू को इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली दूसरी हमें वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू माइनस रूट टू. इसको भी हम क्या करेंगे, इस x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. सो x माइनस रूट टू एंड x प्लस रूट टू, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू जो होगा ये एक फैक्टर हो जाएगा. इट इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर हो गया. तो अब हमने क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे. पॉलिनोमियल है हमारे पास ट्वाइस एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू और हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से. डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम टू एक्स की पावर फोर को एक्स स्क्वायर से इसके डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे. तो ये डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस एक्स की पावर टू. पावर आपस में माइनस हो जाती है तो ये यहाँ पर टू बचेगा. ठीक है, और ये ट्वाइस एक्स की पावर टू आ गया यहाँ पर और ट्वाइस एक्स की पावर टू से हम डिवाइजर को मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर और ये कॉपी करके इधर आ जाएगा ट्वाइस एक्स की पावर फोर और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे. यहाँ आ गया हमारा माइनस फोर एक्स स्क्वायर. इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस ये प्लस और ये हो गया कैंसिल. ऊपर से पूरा कॉपी कर देंगे थ्री एक्स क्यू एंड ये हमारा माइनस के थ्री और प्लस के फोर मतलब प्लस के वन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के सिक्स एक्स माइनस टू ऐसा का ऐसा कॉपी कर देंगे. देन माइनस थ्री एक्स क्यूब को हम फिर से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से और ये आ गया हमारे पास माइनस थ्री एक्स. बिकॉज पावर हमेशा माइनस होती है, थ्री माइनस टू सिंगल एक्स बचेगा तो ये माइनस थ्री एक्स इधर आ जाएगा और इस माइनस थ्री एक्स से हम डिवाइजर को मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के थ्री एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स. इसको यहाँ कॉपी कर देंगे माइनस के थ्री एक्स क्यूब प्लस के सिक्स एक्स और इसका साइन चेंज करेंगे हम दोनों के और ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे. बचे हुए डिजिट्स को नीचे ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू. यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस टू है, वहाँ यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस टू है तो ये प्लस वन टाइम जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू. साइन चेंज करेंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा जीरो. सो इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन आया है ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे और इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे टू इंटू वन टू. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू वन. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया. टू के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका सम थ्री आ जाए तो टू प्लस वन. ठीक है, और क्योंकि माइनस का साइन है तो दोनों के आगे माइनस का साइन आ जाएगा. क्लियर, सो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन. इन दोनों में क्या कॉमन है, टू एक्स कॉमन है तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस वन और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के वन कॉमन है तो ये आ गया एक्स माइनस वन. एक्स माइनस वन हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में टू एक्स माइनस वन आ गया.
देन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू आ गया वन, और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/2, और यही हमारी जीरोज आ जाएंगी। अब एक बात का ध्यान रखना, तुमसे पूछा है फाइंड ऑल द जीरोज, ठीक है। सो हम जब आंसर लिखेंगे तो जो लिखेंगे आंसर में वो हम ये जीरोज भी आएंगी 1 और 1/2, साथ में जो हमें गिवन जीरो सी वो भी लिखनी होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड ऑल द जीरोस, तो जो जीरोस गिवन होती हैं वो भी आंसर में लिखी जाती हैं, और जो हमने फाइंड करी है वो भी आंसर में लिखी जाती है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एमसीक्यूज, साइंस के एमसीक्यूज, सोशल साइंस के एमसीक्यूज, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।